भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने गुरुवार को टीम इंडिया के आगामी 3 महीनों का शेड्यूल ऐलान कर दिया है। जनवरी से मार्च तक भारत घर पर श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेगा। नए साल का आगाज भारत श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के साथ शुरुआत करेगा। इसके बाद भारत को उनके खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी होगी। श्रीलंका के भारत दौरे का आगाज 3 जनवरी को मुंबई में खेले जाने वाले पहले T20 से होगा। श्रीलंका के भारत दौरे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है कि पहला जो T20 मैच है वो 3 जनवरी को मुंबई में खेला जाएगा और उसके बाद जो दूसरा T20 मैच होगा वो 5 जनवरी को पुणे में खेला जाना है। तीसरा T20 मैच 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वनडे सीरीज की बात की जाए तो वनडे सीरीज भारत और श्रीलंका के बीच पहली वनडे सीरीज 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेली जाएगी, दूसरी वनडे सीरीज 12 जनवरी को कोलकाता में खेली जाएगी, तीसरी वनडे सीरीज 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेली जाएगी। श्रीलंका दौरे के बाद भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। कीवी टीम के खिलाफ भारत वनडे सीरीज के बाद इतने ही मैच की T20 सीरीज भी मेजबानी करेगा। वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा और यह रायपुर का पहला इंटरनेशनल मैच होगा। न्यूजीलैंड के बाद भारत दौरे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, पहला वनडे 18 जनवरी को, दूसरा वनडे 21 जनवरी को, तीसरा वनडे 24 जनवरी को खेला जाना है। पहले वनडे को हैदराबाद में, दूसरे वनडे को रायपुर में, तीसरे वनडे को इंदौर में खेला जाएगा। इंदौर वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत न्यूजीलैंड के साथ फिर T20 मैच सीरीज खेलेगी जो कि पहला मैच T20 सीरीज का 27 जनवरी को रांची में होना है और उसके बाद दूसरा T20 मैच 29 जनवरी को लखनऊ में खेला जाएगा, तीसरा T20 मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बाद भारत को घर पर ही ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 4 मैच की टेस्ट सीरीज के अलावा 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज नहीं है। बॉर्डर गास्कर टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी को नागपुर में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से होगा। इसके बाद अगले 3 मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में क्रमशः 17 फरवरी, 1 मार्च और 9 मार्च को शुरू होंगे। ये चारों टेस्ट WTC का हिस्सा होंगे और भारत के इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम होगी। वहीं बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में आखिरी बार 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद सीरीज में 4 की जगह 5 मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद भारत को कंगारुओं के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।